गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रियल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 का एक चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग का एक प्रॉब्लम अंडर डेटर सिस्टम या आप बोल सकते हो सिंथेटिक मेथड का सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक होगा गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इन्फ्लेटेड प्राइस या आप बोल सकते हो इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ये रख दिए आपके सामने एक प्रॉब्लम। हेड ऑफिस नाम नहीं दिया, हेड ऑफिस धनबाद में है, उसका ब्रांच है टाटा नगर, जिसको वो गुड्स भेजता है कॉस्ट प्लस 25%। याद रखिएगा, 100 रुपया कॉस्ट, 25 लोडिंग, तो 125 इनवॉइस प्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्लस 25%। All cash received by the branch is daily remitted to the head office. All expenses other than petty expenses are paid by head office. तो ब्रांच का ये कैरेक्टर होता है कि जितना कैश उसके पास आएगा वो हेड ऑफिस को भेज देगा और हेड ऑफिस ब्रांच को एक्सपेंस के लिए पैसा देगा। ये डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ से बनाना हम लोग को ब्रांच अकाउंट। ओके, ये देखिए स्टॉक ओपनिंग आईपी पे है, पेटी कैश, आपका डेटर, ये तीनों ओपनिंग बैलेंस है। गुड्स सेंट हुआ 160, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, गुड्स रिटर्न भी है। तो गुड्स सेंट है 160, गुड्स रिटर्न है आपका 5000, डेटर माल वापस किया 6000, डिस्काउंट अलाउड है आपका 1000। डेटर अकाउंट बनाएंगे तो काम आएगा। एक्सपेंस के लिए पैसा भेजा है, वेजेज रेंट पेटी कैश, और यहाँ देखिए एक्सपेंस के साथ साथ एक एसेट्स भी है, फर्नीचर। तो हमारा क्लोजिंग एसेट्स का लिस्ट में फर्नीचर भी आएगा। तो एक्सपेंस के लिए पैसा भेजा 28,33,000, 2 कैश आ गया। ये देखिए कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, हम लोग हेड ऑफिस को ये पैसा भेजे हैं। तो हम लोग अगर हेड ऑफिस को पैसा भेजे हैं तो हमारे पास पैसा आया है कैश सेल से या कलेक्शन से। तो हम लोग कैश अकाउंट छोटा सा बना के ये पता लगा सकते हैं कि डेटर से कितना पैसा मिला, क्योंकि डेटर का कैश कलेक्शन नहीं दिख रहा था। आपका डेटर का ओपनिंग दिखा, क्रेडिट सेल दिखा, गुड्स रिटर्न दिखा, डिस्काउंट दिखा, ओके, लेकिन कलेक्शन नहीं दिखा। अच्छा, यहाँ देखिए पेटी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, पेटी कैश का भी क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। तो पेटी कैश का ओपनिंग है 400, यहाँ भेजा 2000, दैट इज 2400, खर्च किया है 2100, तो 300 क्लोजिंग, इसका भी अकाउंट बना लिया जाएगा। आई स्टॉक का क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। हमको यहाँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर चाहिए और साथ में पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो इसलिए हमको ये दो अकाउंट बनाना होगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, दो चीज गायब है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर जानने के लिए कैश अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे कैश रेमिटेड दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया, हेड ऑफिस धनबाद में है, टाटा नगर ब्रांच अकाउंट। ओके, ये अकाउंट हम लोग बाद में बना लेंगे, पहले आपको वर्किंग दिखा देते हैं। पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस था आपको 400, और टू कैश बोल के पैसा आया 2000। बाई पेटी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस किया गया 2100, तो आपका बाई बैलेंस सीडी बच जाएगा 300 और टोटल 2400। तो पेटी कैश का क्लोजिंग नहीं दिया था, तो 2BD, 2 कैश बाई एक्सपेंस, वैसे भी काउंट हो सकता था, 300 रुपया बच गया। ओके, ये देखिए छोटा सा कैश अकाउंट, हम लोग के पास पैसा आता है कैश सेल से, हम लोग के पास पैसा आता है डेटर से, हम लोग पैसा भेज देते हैं हेड ऑफिस को रेमिटेंस, और कैश का कोई डिटेल नहीं है, इसलिए कैश अकाउंट में यही तीन चीज। तो कैश सेल का अमाउंट था आपका 70,000। ओके, हेड ऑफिस को हम लोग पैसा भेजे थे 179,000। तो अगर इसको प्लस करते हैं तो 179, तो डेटर से कितना मिला 109। ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर।
ये हमको डेटर अकाउंट बनाने में हेल्प करेगा। ये रहा आपके सामने डेटर अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी अ क्रेडिट सेल। ओके, डेटर का ओपनिंग बैलेंस आपका 45 था, अ क्रेडिट सेल 104,000 था। ये 45 था, ये 104 था। ये बाई कैश अब लिख सकते हम लोग, क्योंकि कैश अकाउंट पहले बना दिए 109, ये पहले बना दिए तो बाई कैश लिख देंगे। बाई रिटर्न 6,000, बाई डिस्काउंट 1,000। बाई रिटर्न 6,000, बाई डिस्काउंट अलाउड 1,000। अब बाई बैलेंस सीडी मिसिंग है, इजीली आ जाएगा। बाई बैलेंस सीडी ये हो गया आपका 149,000, ये हो गया आपका 16, दैट इज 33,000। ओके, तो ये हो गया आपका डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। इससे हमको ब्रांच अकाउंट बनाने में काफी हेल्प मिलेगा। ये रहा आपके सामने ब्रांच अकाउंट। अब इससे हम लोग ब्रांच अकाउंट सिंपल बना लेंगे, जो मिसिंग था उसका वर्किंग हो गया। अब ये ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले हम लोग को तो टू बैलेंस बीडी देना है। टू बैलेंस बीडी स्टॉक आपका 24,000 है, वो आईपी पे है। पेटी कैश 400 है। डेटर आपका 45,000 है, तो ये हो गया आपका 69,400। स्टॉक का लोडिंग कैंसिल होगा, स्टॉक रिजर्व के नाम से कॉस्ट प्लस 25% वाला केस है। 24,000 25/125, दैट इज 4,800। अच्छा, गुड सेंट आपका 1,60,000 है। टू गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड सेंट एट आईपी 1,60,000। बाई गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, अब इसका लोडिंग होगा 1,60,000 25/125, दैट इज 32,000। अच्छा, रिटर्न भी है 5,000। बाई गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, रिटर्न एट आईपी वो आपका 5,000 है। इसका लोडिंग ले लेते हैं टू साइड में, टू गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, 5,000 का लोडिंग लेंगे 25/125, 1,000। तो आप देखो ब्रांच अकाउंट को एक बार फिर से, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक पेटी कैश डेटर, तो स्टॉक का लोडिंग इधर आ गया, टू गुड सेंट उसका लोडिंग इधर आया, बाय गुड सेंट रिटर्न उसका लोडिंग इधर आया। अब लाएंगे टू कैश या बैंक, जो हेड ऑफिस से हमको मिला है, चेक बोला है, इसलिए बैंक लिख देते हैं। वेजेज एंड सैलरी रेंट, वेजेज एंड सैलरी रेंट पेटी कैश, और एक एसेट्स भी मिला है फर्नीचर 20,823, 20,000, 8,000, 2,000 और 3,000, दैट इज 33,000। तो यहां भी आएगा बाई कैश अकाउंट रेमिटेंस दे देने से, रेमिटेंस ही लिखा जाता है 179,000। ओके, तो टू कैश अब बाई कैश। अब बाई बैलेंस सीडी
आपको स्टॉक बता दिया था 40,000, स्टॉक बताया था 40, डेटर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर किए, डेटर आया 33, पेटी कैश प्रिपेयर किए, पेटी कैश आया 300। और चूंकि ये फर्नीचर जो मिला है ये हम लोग का एसेट्स है, तो क्लोजिंग में आना चाहिए डेप्रिसिएशन माइनस करके, और अपने क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो वो एज इट इज 3,000 आ जाएगा, वो 3,000 आपका फर्नीचर का होगा। तो ये हो गया 76,300, और स्टॉक का लोडिंग कैंसिल होगा, टू स्टॉक रिजर्व 40,000, 25 बाई 125, 8,000। ये हो गया हम लोग का ब्रांच अकाउंट। इसके पहले हम आपको वर्किंग करके दिखा दिए थे जिसमें पेटी कैश बनाए थे, क्लोजिंग बैलेंस आया था, डेटर बनाए थे जिसमें क्लोजिंग बैलेंस आया था, लेकिन डेटर का ये भी मिसिंग था जो हम कैश अकाउंट से कैलकुलेट किए थे। अब हम लोग का काम क्या है, ब्रांच अकाउंट का आंसर करना है। ब्रांच अकाउंट क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए ब्रांच अकाउंट का आंसर निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 297,100, डेबिट माइनस किए आंसर आया आपका 25,700। इसका नाम होगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नरेशन आपका देते हैं ब्रांच प्रॉफिट। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये नॉर्मल ब्रांच अकाउंट जैसे आईपी वाला बनता है। टू में आईपी वाला का केस देखिए, ओपनिंग स्टॉक तो लोडिंग, गुड सेंड तो लोडिंग, रिटर्न तो लोडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू लोडिंग, ये आईपी का कैरेक्टर होता है। अब बाद बाकी नॉर्मल एंट्री वैसे ही है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।